रामपुर में जीवन रेखा फर्जी अस्पताल पर सीएमओ विभाग ने मारा छापा। मौके पर कई ऑपरेशन हुए, मिले जच्चा बच्चा मरीज। सीएमओ ने अस्पताल से मरीजों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा, साथ ही जीवन रेखा अस्पताल पर कार्यवाही करने का मीडिया को आश्वासन दिया। गौरतलब है कि समीर नामक अनट्रेंड झोला छाप कर रहा था मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़। यह झोला छाप पहले भी ग्लोबल हॉस्पिटल का भी कर चुका है संचालन। सीएमओ विभाग और सिटी मजिस्ट्रेट ने ग्लोबल अस्पताल को भी पहले कर चुके हैं सीज। जिले में कई अस्पताल हो चुके हैं सीज, परंतु सीएमओ विभाग के अधिकारियों की साठ गांठ के बाद मोटे पैसे लेकर खोल दिए जाते हैं लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने के लिए ऐसे फर्जी अस्पताल, जिससे पास कोई डिग्री नहीं फिर भी हो जाते हैं डॉक्टर साहब, दूसरे की डिग्री पर कराते हैं सीमा विभाग से अवैध तरीके अस्पतालों का पंजीकरण। क्या जाने सर, आज क्या कार्रवाई की गई है? यहाँ पर जो है ये अस्पताल है जीवन रेखा हॉस्पिटल, है ना। चलो बंद करो भाई, बंद कर दीजिए, बंद करो इसे, फिर सेंटर बंद करो। बंद कर दीजिए सर, ना ना बच्चा हुआ ना जी, जी बंद कर। ये बताया गया आप चला रहे थे यहाँ जीवन रेखा के लिए? पता करके देखो भाई, ये तो जानते हैं, मैं तो ग्लोबल चला रहा था। कहाँ है, कहाँ है वो? अभी मिलके चलेंगे, इनसे मिलके चलेंगे सीएम साहब से। अच्छा, मुख्तार नाम है, पूरी बात बताओ क्या हुआ? तो मतलब हम थाप रहे थे ईंट मट्टे पर करते ही थे, तो जब बच्चे गए हमने बेटा पानी खाली आ गया, पानी लेकर आते तुम, हमने इन्हें वापस कर दिया। फिर घर आया, घर आने के बाद में पानी लेकर जा रहे थे, उन्होंने वहीं पर रास्ते में पकड़ लिया। किसने पकड़ा? उस लौंडे बिफला। अच्छा, और एक इससे छोटा लड़का था, उसे मारा बहुत, उसके मुंडे सूजे पड़े और इसे पकड़ गया उसमें, वो ले गया मक्के में, को खून पड़ा था वो शिवाली मक्के में खून पड़ा था। क्या हुआ, क्या करा उन्होंने तुम्हारे बच्ची के साथ? बलात्कार किया था साहब। कितने लोग थे? एक ही था। उसने करा था जी। क्या नाम है उसका? विपिन। विपिन नाम तो कुछ और था, उन्होंने लिखवाया पर उन्होंने, लेकिन नाम तो उसका यही है विपिन। कहाँ का रहने वाला है? रुस्तमपुर का ही है। अच्छा, तो तुम कहाँ के रहने वाले हो? हम भी रुस्तमपुर रहते हैं। ईंट का भट्टे में काम करते हो जी। FIR दर्ज हो गई तुम्हारी? FIR दर्ज तो होगी, कार्रवाई हो रही है इसमें? अभी तो कोई कार्रवाई ना हुई। ठीक, मैं तो यहाँ हूँ। चलो ठीक है, क्या कार्रवाई की गई है? यहाँ पर जो है ये अस्पताल है जीवन रेखा हॉस्पिटल, है ना। यहाँ पर कुछ शिकायत मिली थी कि ये अस्पताल में जो है कुछ कमियाँ हैं, तो यहाँ देखने पे पता चला अस्पताल का जो है मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में जो है पंजीकरण है, उनके पास BMW की अनापत्ति प्रमाण पत्र भी है और फायर का अनापत्ति प्रमाण पत्र भी है। इन लोगों का ये कहना है कि ये जो है अस्पताल बंद हो रहा है, इसमें आपस में ही कोई इनकी जो पार्टनर है उनमें कोई विवाद चल रहा है, इस वजह से जो है ये अस्पताल ऑलरेडी बंद हो रहा है। यहाँ पर कुछ मरीज जो कि इनका ये कहना है कि हमारे अस्पताल के नहीं, किसी दूसरे अस्पताल के थे, तो उनको जो है जो कुछ को जो जिला अस्पताल जो है भेज दिया गया है महिला चिकित्सालय, और कुछ जो ने कहा कि अपने घर घर ले आना चाहते हैं तो वो घर चले गए। अभी अस्पताल जो है बंद है और इस पर जो है इनको नोटिस जारी किया जाएगा,
है ना, उसके अनुसार जो है नियम। यहाँ सीजर मिले, पेशेंट मिले हैं सीजर हुए हुए, तो क्या इसमें कार्रवाई होगी? इनके यहाँ सीजर नहीं हुए हैं, किसी दूसरे अस्पताल में सीजर हुए हैं। एक जो है क्या नाम है, एमएस डॉक्टर के द्वारा सीजर किए गए हैं, और इसमें की जो है एनेस्थीसिया के डॉक्टर का भी जो उनको एनेस्थीसिया दी गई है ना, इसमें कोई आपत्ति इसमें नहीं है, क्योंकि मगर वो दूसरे अस्पताल में हुए थे और उनको जो है यहाँ शिफ्ट किया गया था बस। नहीं तो इन्होंने क्यों ले लिया, कोई तो रीज़न होगा? तो मैं नहीं बता सकता जो है क्यों लिया क्यों नहीं लिया। आपके द्वारा क्या कार्रवाई होगी इस पर? इसमें जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी, पहले इनको नोटिस दिया जाएगा, नोटिस के बाद में जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो इन पर की जाएगी। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।